Assalamu alaikum. In previous lecture, we talked about graphics.h library, and we have seen that we can use different functions to create different types of shapes, and when we can fill them through different functions, for example, set color function, flood fill function, etc. And we have created a car through simple functions of var. And in this lecture, I am going to explain some other functions of that library. सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बताऊंगी जो कि हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एक्स और मैक्सिमम वाई वैल्यूज को गेट करने के लिए स्क्रीन की, ठीक है. देन उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें ये फंक्शन यूज हो रहे हैं. सो इसलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस फंक्शन में हमने कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज इसके थ्रू गेट करनी है. ओके, सबसे पहले हमारा काम होता है जी कि हेडर फाइल हम इंक्लूड करवाते हैं ग्राफिक्स डॉट एच. ओके, उसके बाद हमारे पास एक और हेडर फाइल हमें चाहिए होगी. हमने इसमें क्योंकि सी आउट की स्टेटमेंट यूज करनी है तो आईओ स्ट्रीम हमारे पास यूज होगी. ओके, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन का फंक्शन. देन हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वो वेरिएबल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. सबसे पहले हम एक जी डी वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल टू डिटेक्ट. देन जी एम लेते हैं ग्राफिक्स मोड के लिए. देन हमारे पास इनिट ग्राफ का फंक्शन कॉल होता है जिसमें हम ये वेरिएबल्स पास करते हैं, ठीक है, एम परसेंट के साथ. ये मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और हमारे पास पाथ के लिए ये कॉमास होते हैं. ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, डिक्लेयर करने हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करेंगे गेट मैक्सिमम एक्स का फंक्शन. सेम गोज फॉर वाई वैल्यू. मैक्सिमम वाई हमने ले लिया वेरिएबल इज इक्वल टू गेट मैक्स वाई फंक्शन. ओके, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सी आउट करवाना है तो सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं. मैक्सिमम एक्स, मैक्सिमम एक्स वेरिएबल आ गया, एंडल आ गया. इसी तरह से हम वाई की वैल्यू को सी आउट करवा लेते हैं. मैक्सिमम वाई, मैक्सिमम वाई वेरिएबल आ गया और एंडल आ गया. ओके, देन हमने कहा था कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि हम गेट सी एच का फंक्शन मस्ट यूज करते हैं क्योंकि स्क्रीन उस वक्त तक डिस्प्ले होती रहेगी जब तक यूजर कोई वैल्यू मीन्स कोई की एंटर नहीं कर देता. ओके, एंड देन हमारे पास लास्ट में होता है क्लोज ग्राफ का फंक्शन जो कि ग्राफिक सिस्टम को क्लोज कर देता है. और एक और चीज जो मैंने आपको मस्ट बताई थी कि आपने एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ से 32-bit रिलीज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. ओके, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये जो y है ये स्मॉल आएगा यहाँ पे. ओके, एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम x और मैक्सिमम y की वैल्यूज आ गई हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, ठीक है. आपने सेंटर पॉइंट लेना है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा. ओके, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल करनी है जिसमें हमने ये करना है कि हमने एनिमेशन क्रिएट करनी है कार की. किस तरह से करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास इसी तरह से वेरिएबल्स होंगे मैक्सिमम एक्स और मैक्सिमम वाई के लिए. मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू गेट मैक्सिमम एक्स का फंक्शन कॉल होगा. सेम गोज फॉर मैक्सिमम वाई के लिए हमारे पास होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि एक हमने लूप लगाना होगा. आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं. वो लूप क्यों लगाना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. इसके बाद हमने ये करना है कि हमने सेट करना है कलर को. सेट कलर का फंक्शन कॉल करना है. सेट कलर हमने किया ग्रे. ओके, अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं. ये कलर मैंने इसलिए लिया है कि हमने जो कार बनानी है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्या आएगी, जो रोड होगी उसके ऊपर आ रही होगी. ओके, सो उसके लिए मैंने कलर यहाँ पे क्या ले लिया है, ग्रे ले लिया है. आप चाहें तो कोई भी कलर यहाँ पे ले. लाइन हमने क्यों क्रिएट करनी है कि हमारे पास जो रोड आ रही होगी वो लाइन की फॉर्म में आ रही होगी
और आपको पता है कि लाइन में हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स होते हैं x1, y1, x2, y2, तो इसकी जगह हम दे देते हैं वैल्यूज। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, देन हमारे पास 370 होगी। अच्छा, कहाँ तक हमने जाना है? हमने स्क्रीन के बिल्कुल लास्ट तक जाना है, एंड तक, ठीक है। कार को मूव करवाना है, तो मैक्सिमम एक्स जो हमने ऊपर यूज किया था, जिसमें हमने गेट मैक्सिमम एक्स का फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, कार मूव होनी चाहिए, तो लाइन भी वहां तक आनी चाहिए ड्रॉ होके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो y2 पॉइंट होगा वो हमारे पास 370 ही होगा। क्यों हमने दोनों को सेम लिया यहाँ पे? y1 भी 370 है और y2 भी 370 है, बिकॉज हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होकर आ रही होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी हाइट इक्वल होगी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी और एंडिंग पॉइंट पे भी, क्योंकि वो हमारे पास एक रोड की फॉर्म में आ रही है, ओके। उसके बाद हमने ये करना होगा कि हमने सन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। अच्छा, ग्रे कलर में हमारे पास नहीं है अगर अवेलेबल, तो हम क्या कहते हैं, डार्क ग्रे हो जाए। ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, हमारे पास एक रोड आ गई है जिस जो कि लाइन की फॉर्म में है, जिसे हमने रोड कंसिडर किया है। अब इसके ऊपर हमारी कार ड्रॉ होनी चाहिए। इसको हम करते हैं आगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सन को ड्रॉ करना है, तो सन के लिए हमें एक सर्कल चाहिए होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल का कलर सेट कर लेते हैं, सेट कलर के फंक्शन से। येलो कलर का होता है तो हम येलो ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सर्कल को ड्रॉ करना होगा। सर्कल हमारे पास, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स वाई एंड रेडियस, ठीक है। एक्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 80, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि आप वैल्यूज देकर जो है लेंगे, वैल्यूज आप जब खुद से देंगे रैंडम वैल्यूज और उसकी आउटपुट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। रेडियस मैं यहाँ पर दे देती हूँ 50, ओके। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो सन है वो कहाँ पे ड्रॉ करा है। ये देखें, हमारे पास इस फॉर्म में सन ड्रॉ होकर आ रहा है कॉर्नर पे, ठीक है। आप इसको इस साइड पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स की वैल्यू चेंज करनी होगी, वाई आपका इसी तरह से एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद हमें ये करना है कि हमने एक साइन बोर्ड जो है डिस्प्ले करवाना है राइट साइड पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास जो है साइन बोर्ड होगा, किस फॉर्म में होगा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमारी आउटपुट आएगी। ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ होगा इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में, और इसके ऊपर एक हमारे पास लार्ज रेक्टेंगल होगी। यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ से हमारी जो कार है वो मूव होकर आएगी, ओके। और कॉर्नर पे हमने क्या किया हुआ है, सन को डिस्प्ले किया हुआ, इस तरह की हमारे पास आउटपुट होगी। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें दो रेक्टेंगल्स चाहिए हैं, तो पहली रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल करते हैं। हमें पता है कि रेक्टेंगल के फंक्शन में लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम पॉइंट्स हमने देने होते हैं, ठीक है। तो हम दे देते हैं पॉइंट्स 500, 250, 535। अगेन ये पॉइंट्स मैंने खुद से रैंडम वैल्यूज देकर डिसाइड की हैं, तो आप भी यही काम करेंगे कि आप रैंडम वैल्यूज देकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगेन आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास इसके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएंगे 480। मे बी आउटपुट देखने के बाद हमें थोड़े से पॉइंट्स जो है चेंज करने पड़े, ठीक है, 580 एंड 250, ठीक है। इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं कि ये किस तरह से ट्राइंगल्स या रेक्टेंगल्स हमारे पास ड्रॉ करा रही है। ये देखें, आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाली अबव जो रेक्टेंगल आ रही है वो थोड़ी राइट साइड पे ज्यादा मूव हो गई है, दैट मीन्स कि हमें उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेकर आना होगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 525, तो मेरा था थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास 480, 200, 580 और 250 हो गए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
दैट मीन्स कि अब हमारी जो रेक्टेंगल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आ रही हैं। अब हमने कार को भी ड्रॉ करना है और इसमें अगर कुछ प्रिंट करवाना है साइन बोर्ड में तो वो भी हम करवा सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपनी कार को या बस को प्रिंट करवा देते हैं कि वो किस फॉर्म में होगी। उसका हम सेट कर लेते हैं कलर, सबसे पहले सेट कलर के फंक्शन से मैं कहती हूँ कि वो होनी चाहिए ब्लू कलर में। ओके, उसके बाद हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल के अगेन हमें पॉइंट्स देने होंगे, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम। मैं पॉइंट्स देती हूँ 100, 300। ये बिल्कुल हमने लेफ्ट साइड पे बनानी है जो कि राइट साइड पे मूव करती हुई आनी चाहिए, 200 and 350। ओके, उसके बाद हमने एक और काम ये करना है कि अगेन हम अगर सेट कलर कर लेते हैं और हमने एक ड्रॉ करनी है सर्कल। क्यों? क्योंकि हम अगर बस बना रहे हैं या हम अपनी कार को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके टायर्स भी होंगे, ठीक है, तो सेट कलर कर लेते हैं उससे पहले। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो टायर्स हैं वो येलो कलर के होने चाहिए, ठीक है। देन हम कहते हैं कि हमारे पास सर्कल दो होने चाहिए सर्कल्स। सर्कल का फंक्शन हम कॉल करेंगे फर्स्ट सर्कल 120, 360। एक्स वाई हमारे पास वैल्यूज होती हैं और साथ में रेडियस होता है, तो रेडियस हम दोनों टायर्स का सेम रखेंगे 10। अगेन हमने सर्कल ड्रॉ करना है, वो हमारे पास कौन से पॉइंट्स पे होगा, उसका सिर्फ एक्स पॉइंट राइट साइड पे आ जाएगा और वाई हमारे पास मीन्स हाइट जो है वो 360 ही रहेगी, ठीक है, और रेडियस भी उसी तरह से 10 ही रहना चाहिए। ओके, देन हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आती है हम ये देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी आउटपुट आ रही है। अब ये हमारी जो कार है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है और उसको मूव होकर राइट साइड पे आना चाहिए। इसमें हमने ये करना होगा कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने आई वेरिएबल लिया हुआ है। आई वेरिएबल हमने क्यों लिया था कि लूप हमने लगाना था, ठीक है, हमने लगाना है जी वाइल लूप या फॉर लूप। दोनों में हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हमने आई वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने स्टार्ट करवाना है आई इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है, और उसको कहाँ तक लेकर जाना है। ऑब्वियसली हमने जब कार को मूव करवाना है लेफ्ट से राइट तक तो हमारे पास वो मैक्सिमम एक्स तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी फॉर लूप की बॉडी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो हमारी स्टार्ट होनी चाहिए जहाँ से हमने अपनी जो यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट की थी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर लूप आ जाएगा। फॉर आई हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, आई आई हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम एक्स जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था उससे, और आई प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमारी लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और ये कहाँ पे एंड होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये बिल्कुल लास्ट में जाके एंड होनी चाहिए, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिले भी चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि जब हमने आई को यूज कर लिया है तो उसके साथ साथ हमें ये जो सर्कल होगा, ऑब्वियसली ये जो टायर्स थे ये मूव करते जाएंगे प्लस वन के इंक्रीमेंट से, तो प्लस आई यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरह से ये भी एक्स लोकेशन में मूव करता जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आई होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऊपर अगर बस मूव कर रही है तो बस के लिए हमने रेक्टेंगल बनाई थी, यहाँ पे भी प्लस आई होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा हमारे पास प्लस आई कहाँ पे होना चाहिए, हमने जो अगर जो सन है उसको मूव करवाना है तो उसके लिए भी ऑब्वियसली हमने सर्कल को ड्रॉ किया था तो वो भी प्लस आई होना चाहिए, ठीक है। कौन सा सर्कल था, ये वाला सर्कल था, तो हमने कहा कि प्लस आई हम यहाँ पे भी कर देते हैं। आपकी मर्जी, आप सन को आगे मूव करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो मैंने अगर मूव करवाना है तो मैंने यहाँ पे प्लस आई कर दी, ठीक है। दूसरी चीज ये भी हमें चाहिए होगी, इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर मैं बताती हूँ कि दूसरा आपको चेंज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं अपना लूप, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखें आउटपुट हमारे पास इस तरह से आ रही है कि जो प्रीवियस थी, यहाँ पे अगर कार थी या यहाँ पे सन था
वो बजाय रिमूव होने के हमारे पास राइट साइड पे हमेशा जो भी लूप चलता रहेगा मैक्सिमम एक्स वैल्यू तक, वहां तक बार बार ड्रॉ होकर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने प्रीवियस जो प्रिंट होकर आ रही है वैल्यूज उसको रिमूव करते जाना है, और देन हमने कहना है कि हमारे पास राइट साइड पे जो पिक्चर्स हैं वो ड्रॉ होती जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर डिवाइस का एक फंक्शन होता है जो कि हमें लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा। क्लियर डिवाइस मीन्स जो प्रीवियस वाली है वो हमारे पास क्या होती जाए, रिमूव होती जाए। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, अब हमारे पास जो आउटपुट थी वो अचानक से आई और अचानक से चली गई। दैट मींस हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिले भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिले हम क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स का, मिली सेकंड्स होते हैं इसमें, 20 मिली सेकंड्स का। ये देखिए, अब हमारे पास कार मूव हो रही है। ठीक है, बट मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये तो मूव हो रहे हैं, बट ये रेक्टेंगल भी किस तरह से मूव हो रही है कि ये प्रीवियस लेफ्ट साइड पे हमारे पास ड्रॉ हो रही है। दैट मींस कि यहाँ पे हमें रेक्टेंगल को और सर्कल्स को बिल्कुल साथ साथ मूव करवाना है। ऐसे ही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सर्कल था, इसमें हमने प्लस आई का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे भी हमारे पास सर्कल था प्लस आई का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे जो रेक्टेंगल आ रही है यहाँ पे भी हमने प्लस आई का इंक्रीमेंट किया, इसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट सर्कल में भी हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये साथ साथ अगर हम 300 में भी इंक्रीमेंट करते जाएं तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे भी प्लस आई कर देते हैं। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें राइट में भी इंक्रीमेंट करना था और हमें स्टार्ट वाली जो वैल्यू थी उसमें भी इंक्रीमेंट करना था। अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। अब अगर हमने सन को एक ही जगह पे मूव नहीं करवाना, स्टिल रखना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो सन के लिए हमने सर्कल का फंक्शन यूज किया था उसमें हम इंक्रीमेंट रिमूव कर देंगे। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कीज से भी कार मूव हो सकती है। जब हमें गेम्स बनानी होंगी तो उसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट वो कीज और कंट्रोल की बात जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जिसमें हम माउस को देखेंगे और कीज को देखेंगे कि अब जब हम एंटर करेंगे तो क्या एक्शन हमारे पास परफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।